अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाहिद अली और आप देख रहे हैं FMF पर फोकस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बात करेंगे तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद में 16 अगस्त को जो वाक़या पेश आया था उसकी मजम्मत भी की जो है, और ये एक दिन में हुआ कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा वहां पहुंचे मकामी मास्टर जो है हमारे, उनको ये आरएस सिंह साहब कि जो आपके साथ सीमारे साहब आएंगे और आपकी ख्यालात का मजाक करेंगे और ये बाकी सीमारे साहब उस पे उनको इत्माद में लेंगे, ना कि इत्माद में लेंगे बल्कि प्रैक्टिकली काम करता हुआ वहां नजर आएगा। और हम सब आप देखिए, देखो ये वीडियो जारी करें और बहुत खुशी हुई है देख के और जितने दूसरे आज हम अकलियत को हौसला दे रहे हैं और हमें इनकर्ज कर रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। इस मुल्क को, पाकिस्तान को जिंदगी ये भी बहुत नाइंसाफी है सबके साथ, उन लोगों के साथ जो अपने घरों में हंसते बसते थे। कुछ लोगों की शादियां थी आने वाली, बेटियों की, कुछ लोगों के बेटों की शादियां थी, भाइयों की शादियां थी, बहनों की शादियां थी, क्या क्या ख्वाब सजाए हुए थे उन्होंने, उनके सब चकनाचूर हो गए। बहुत अफसोस हुआ उन लोगों की वीडियोज देख के, कैसे वो रो रहे थे, चीख रहे थे, और उनका हक था अपनी आवाज़ बुलंद करना। जो इकतदार में लोग बैठे हुए उनके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। उनके घरों में पानी नहीं था पीने के लिए, उनके घरों में कपड़े नहीं थे, सोने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। उन लोगों ने आवाज़ बुलंद की और वहां के लोग जैसे इमरान भाई थे और उन जैसे काफ़ी लोग बाहर आए, उन्होंने उनकी मदद की उस टाइम पर जो उनको ज़रूरत थी। और आने वाले टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ जा कर उनको सामान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक चीज़ गलत कर रहे हैं, उनको चाहिए कि लोगों की फैमिली मेंबर्स पता होना चाहिए कि जैसे आईडी कार्ड के जरिए उनके घरों में सामान दें, ताकि जो वो वहाँ लोग खड़े हुए हैं एक दूसरे को धक्कम धक्कम पेल कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। वो कईयों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी और कईयों को ज़्यादा सामान मिल जाएगा। तो आईडी कार्ड के जरिए जो भी सामान देना, वहाँ का जो भी मोहतबर है उसको सामने आना चाहिए, आके उनको सामान वगैरह देना चाहिए, चारपाई हो, बिस्तरे हो, कपड़े हो, खाने की अशिया हो या कुछ भी हो। तो एक तो उनको जब सामान मिलेगा खाने पीने का, वो खाए पिएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जो लोग ये खिदमत कर रहे हैं और उनको उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा देख के कि यार जो हमने ये सामान दिया, हक दे दिया, हक अदा कर दिया, हक वालों के पास हक पहुंच गया है। क्योंकि आपने अल्लाह की राह में जो दिया सामान, उनको पहुँचना चाहिए, पहुँचेगा सबके पास, पहुँचेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक दो के पास जैसे हमने वो देखा है कुछ तरतीब नहीं है, हम बजोरे बाज आ रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, धक्कम पेल हो रही है, ये गलत और इंशाल्लाह रुके आपस में भी ये चीज चाहिए। अगर एक के पास एक चीज आ गई है, दूसरी चीज दूसरे के लिए होनी चाहिए, ना कि अब जो है ये एक दिन में हुआ काम का शुक्र अदा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि मकामी पास्टर जो है हमारे आरएफ सिंह साहब सीमारे साहब आएंगे और अपने ख्याल का अजहार करेंगे। शरीक हो ताकि उनको पता हो हम सब एक हैं, हमारा हम सब का ये घर है, अमन का गहवारा है, इबादत और हम सब अपने सर को झुकाएं ताकि वो आंखों को बंद करें और दुआएं मांगे वहां जाके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए तुम्हें पाक के नाम में शुमारी बाप हम दिल की गहराइयों से मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है वजीर आला पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम जो हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम है, नवाब पाकिस्तान और जितने दूसरे वजीर हैं और इंतजामिया हैं, सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हमारे चर्च में आकर हम अकलियत को हौसला दे रहे हैं और हमें इनकर्ज कर रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। इस मुल्क को, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शते। इतने अफसाने वाला यहाँ